दोस्तों, मेरी तरफ से सबको जय श्री राम। आखिरकार 500 सालों के बाद आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सफल रही। आज हमारे प्रभु जी श्री राम जी अपने भव्य महल में स्थापित हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि इतने भव्य मंदिर को बनाने में कितना खर्चा हुआ है और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए दिल खोल के दान किया है? अगर आप सोच रहे हैं कि राम मंदिर के लिए अंबानी, अडानी या फिर टाटा समूह जैसे बड़े उद्योगपतियों ने सबसे ज्यादा दान किया है, तो आप गलत हैं। देश भर के करोड़ों लोगों ने, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, साधु संत ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया। सूत्रों के मुताबिक सूरत के रहने वाले कारोबारी ने मंदिर को 101 किलो सोने का दान किया है। डायमंड बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले दिलीप कुमार वी लाखी ने राम मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया है। दिलीप कुमार ने मंदिर ट्रस्ट को 101 किलो सोना दान किया है, जिसका इस्तेमाल गर्भगृह के सोने के द्वार, स्तंभों आदि में किया गया है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो मौजूदा वक्त में 10 ग्राम सोने की कीमत 68,000 के करीब है। ऐसे में दिलीप ने करीब 68 करोड़ रुपए का दान दिया है। राम मंदिर को दूसरे सबसे बड़े दान कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू ने दिया है। कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू ने मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.6 करोड़ का दान दिया है। ट्रस्ट के मुताबिक गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और राम कथा वाचक मुरारी बापू ने राम मंदिर के लिए सबसे पहले इतनी बड़ी राशि दान के तौर पर सौंपी। रामायण का प्रचार प्रसार करने वाले बापू ने यह रकम लोगों के योगदान से इकट्ठा की। इसमें से भारत में से उन्होंने 11.30 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे और बाकी के जो 8 करोड़ रुपए थे वो यूके, यूएस और कनाडा के जो फॉलोअर्स थे उन तीनों कंट्री के मिला के इतने रकम इकट्ठा हुई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसमें दी गई जानकारी आपको सटीक लगी, सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेक न्यूज़ से बचिए। और श्री राम, अगर आप श्री राम जी के भक्त हैं तो ज़रूर कमेंट्स में जय श्री राम लिखिए। धन्यवाद।